दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर जो कि क्लास नाइन्थ एनसीआर चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से लिया गया है इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट तो बॉल कुछ डिस्टेंस हिट करने के बाद कुछ डिस्टेंस तक मूव करती है उसके बाद वो कहाँ पर आ जाती है वो रेस्ट पर आ जाती है ठीक है और लेवल्ड ग्राउंड पर वॉक बॉल मूव कर रही है द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज बॉल किस वजह से रेस्ट पर आ रही है द बैट्समैन डिन नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ द विलॉसिटी इज प्रपोर्शन टू द फोर्स एक्जर्टेड ऑन द बॉल देर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन या देर इज नो अनबैलेंसड फोर्स ऑन द बॉ सो द बॉल वुड कम टू रेस्ट अब होता क्या जब बॉल हिट करी गई है तो यहाँ पे क्या होगा एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो जो मोशन ऑफ द बॉल है इस डायरेक्शन में दैट इज बिंग अपोज बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ग्राउंड लगा रहा होगा बॉल के सर्फेस पे ठीक है तो ग्राउंड हमारा क्या लगा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कहाँ पर ग्राउंड और बॉल के बीच में ग्राउंड का जो सरफेस है ग्राउंड एंड बॉल के बीच में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है मोशन के बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारा अगर मोशन इस साइड में हो रहा है बॉल हमारी इधर मूव कर रही है तो यहाँ मोशन ऑफ बॉल अगर दिखा रहे हैं या मूवमेंट ऑफ बॉल दिखा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो एफ आर हम बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को वो उसके ऑपोजिड डायरेक्शन में मूव कर रहा है वर्क कर रहा है तो अगर ऑपोजि डायरेक्शन में फोर्स uh, एक्ट कर रहा है तो क्या होगा बॉल थोड़ी देर बाद के बाद थोड़ी देर के बाद रेस्ट पर आ जाएगी तो बॉल थोड़ी देर